हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिक्षा और रोजगार से संबंधित खबरें और गणित विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के 10वें पार्ट की, विद्युत वाले पार्ट की। और विद्युत वाले पार्ट के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं, आंकिक प्रश्न बन रहे हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में डिटेल से हल करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जैसे ही आंकिक प्रश्न देखेंगे अपनी बुक में 10वें पार्ट के, तो वहां पर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा। और पहला क्वेश्चन मित्रों क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित करें कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, या अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, ध्यान रखना है, दो कंडीशन यहां पर पूछी है। एक तो आपसे पूछा है कि इनका अधिकतम प्रतिरोध कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा पूछा है इनसे न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनको किस प्रकार से संयोजित करें कि अधिकतम प्रतिरोध आ जाए या आपका न्यूनतम प्रतिरोध आ जाए। तो ध्यान रखना है मित्रों, सबसे पहले अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये एक बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपका बनेगा। तो RS बराबर क्या देगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1, 2, 3 ओम दिए हैं तो RS आ जाएगा आपका 6 ओम, यानी कि अधिकतम प्रतिरोध इनका मित्रों कितना हो जाएगा? आपका 6 ओम। अब न्यूनतम के लिए क्या याद रखना है? देखो, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपका फॉर्मूला। तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/1, 1/2 और 1/3, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपके 6 LCM आ जाएंगे। 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी 6 और 3 9 और 2, 11/6, ये आ जाएगा आपको। इसको देखो, 11/6 तो हम लिख नहीं सकते, इसको क्या लिखेंगे? आरपी बराबर हो जाएगा 6/11 ओम, क्योंकि ये 1/RP है, हमें आरपी चाहिए। तो आपका ये आ जाएगा क्या? 6/11, आप यहां देख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमने इनके क्या ज्ञात कर लिए हैं? हमने इनके अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कर लिए हैं। तो यह आपका आंकिक प्रश्न नंबर 1 हुआ। चलिए आगे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। ये लीजिए, अब दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है वो मैं पहले आपको पढ़ के बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी चालक तार में 20 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? एक तो धारा का मान दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है, एक तो धारा का मान दिया हुआ है आपके कितना है? 10 मिली एम्पियर। धारा का मान मित्रों है 10 मिली एम्पियर, और एक विभवांतर का मान है 2.5 वोल्ट। इसको हल करना है, हमें प्रतिरोध चाहिए, आर का मान निकालना है हमें, आर का मान कितना आएगा। तो हमने ओम का नियम पढ़ रखा है, ओम के नियम से आर का मान था V/I। अब इंपॉर्टेंट, यहां पर मिली एम्पियर दिया है तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, तो इसका जो है धारा का मान आ जाएगा 10^-3। अब इसमें मान रखेंगे तो देखो, 2.5/10^-3 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो R बराबर आपका बन जाएगा 2.5 × 10^3, यानी ये बन जाएगा आपका 2500 ओम। प्रतिरोध का मान मित्रों कितना आ गया है? 2500 ओम। ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए इसको रब कर देता हूं। अब हम प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं। तीसरे में आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, अलग अलग चर्चा हम करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 3
तीन का पहला पॉइंट क्या है, देखो तीसरे का ए बिंदु। इस प्रकार का जो है आपको चित्र इसमें दिया गया, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका। तो यहां पर देखो 2 ओम दिया हुआ है, यहां पर भी 2 ओम दिया हुआ है और यहां पर भी 2 ओम है। अब इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर देखिए ये बी है और ये ए है, ये वाले दोनों प्रतिरोध यदि मैं इसको यहां से खोल के सीधा करूंगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में रहेंगे मित्रों। श्रेणी क्रम का चित्र सभी को पता है, तो क्या लिखेंगे 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा आर एस बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम हो गया। अब ये चित्र कैसा बन जाएगा, यहां ए है ये हमने बना दिया है और यहां पर ये बी रहा आपका, ये बी, ये तो 2 ओम ये वाला लिखा मैंने, इन दोनों को मिला करके हमारा कितना बन गया मित्रों 4 ओम बन गया है, तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब ये चित्र, अब देखो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों आपके बन गए किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो 4 ओम वे 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः तो ये 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम आ गया 4, तो यहां पर 2 प्लस 1 यानी 3/4 हो गया। हमें आरपी निकालना है, तो मित्रों आरपी क्या हो जाएगा 4/3 ओम, ये इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले यूज करके आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं मित्रों। सारे सवाल इसी टाइप से होंगे, बी सी। अब मैं डी बता रहा हूं, डी वाला कुछ विशेष प्रश्न लग रहा है तो डी वाले प्रश्न की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डी वाले प्रश्न की यदि चर्चा करें तो डी का चित्र मैंने आपके सामने रख दिया है मित्रों। डी का इस प्रकार का ये चित्र बना हुआ है, देखिए 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये अलग से जुड़े हुए हैं, फिर 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये अलग से जुड़े हुए हैं, 1 ओम आपका बीच में ये जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ए और बी के मध्य सबसे पहले यहां देखेंगे ये 3 ओम 3 और 3 ओम ये समांतर क्रम में है, इसी प्रकार से ये 3 ओम 3 3 ओम के प्रतिरोध भी समांतर क्रम में है और फिर हम इसको अलग से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 ओम 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, किस क्रम में मित्रों, समांतर क्रम में है, तो इनका क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा आपका 3/3 और 3/3 का मतलब एक, उल्टा फुल्टा कैसे लिखेंगे आरपी बराबर आ गया आपका 1 ओम। यहां पर फिर से इनका भी 1 ओम आएगा, तो फिर से आरपी बराबर 1 ओम और लिख देता हूं, ये लीजिए। अब आपका चित्र कैसा बन गया, मैं इसको यदि चेंज करूं तो अब नया चित्र कैसा बना है, देखिए ये बी हो गया, चलिए यहां बी लिख देता हूं और ये हो गया आपका ए। अब देखिए नया चित्र, इन तीनों से मिलकर के ये 1 ओम बना, तो यहां 1 ओम आ गया, पहले से ये 1 ओम रखा हुआ था ये 1 ओम, फिर इन तीनों को मिलाकर ये 1 ओम बना तो ये 1 ओम। अब ये मित्रों तीनों किस क्रम में आ गए हैं, श्रेणी क्रम में, 1 ओम 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 ओम, ये आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न का रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है पाठ संख्या 10 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें। एक क्वेश्चन चौथा बच गया है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि पूरे पार्ट के आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पार्ट में आए हुए हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोटबुक में नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, चौथा प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके बुक का, प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं हम, अंतिम प्रश्न इस पाठ का भी कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, एक 1500 वाट की निमज्जन छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने में काम आती है, यदि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मूल्य ₹5 हो तो 30 दिन में उपयोग की हुई विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा।
इसकी क्षमता दी हुई है मित्रों, चौथा प्रश्न है, पी बराबर आपको दिया हुआ है 1500 वाट, यह आपको शक्ति इसकी क्षमता दी हुई है 1500 वाट। एक दिया आपको समय, समय आपको दिया हुआ है 3 घंटे, टी का मान आपका है 3 घंटे। विद्युत ऊर्जा, देखिए एक सूत्र होता है पी बराबर डब्लू बट्टा टी, ये जो डब्लू है ये ऊर्जा है, ध्यान रखें कार्य नहीं है, यह है विद्युत ऊर्जा आपकी, और विद्युत ऊर्जा कार्य के रूप में यहां पर होगी, तो ये क्या बनेगा, मैं इसको U लिख देता हूं, तो U बराबर क्या बन गया, P इंटू टी बन गया, U बराबर आपका बन गया P इंटू टी। अब इसको हल कर लेंगे तो U बराबर क्या आ जाएगा, देखिए U बराबर आ जाएगा 1500 गुणा, यहां पे T का मान 3 है और 1000 का भाग लगा देंगे kWh के लिए, तो U बराबर हो जाएगा आपका 4.5, 4.5 ये आ गया kWh, क्या आ गया मित्रों kWh। अब हमें क्या करना है, 4.5 ये कह रहा है 5 रुपए, तो इसको गुणा कर देंगे हम 5 से मित्रों, ये लो मैंने इसको गुणा कर दिया मित्रों, कितने से, 5 से गुणा कर दिया है। फिर ये कह रहा है 30 दिनों तक, तो मित्रों इसको 30 से भी गुणा कर देंगे, 5 से तो गुणा करने के बाद किससे गुणा कर देंगे, 30, जैसे कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, मैं इसी प्रकार के गणित विज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।